परीक्षा केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध है, लेकिन नियम को ताक पर रखकर परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन ले जाना एक 12वीं कक्षा के परीक्षार्थी को भारी पड़ गया। आज मार्गरेट स्कूल में मोबाइल फोन के साथ परीक्षार्थी को पकड़ा गया है। परीक्षार्थी श्री गुरु विद्या मंदिर की छात्रा बताई गई है। दरअसल आज उच्च माध्यमिक परीक्षा की फिलोसफी की परीक्षा थी। इस दौरान एक परीक्षार्थी मोबाइल फोन को छिपाकर परीक्षा केंद्र के अंदर ले गई। परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र देते समय केंद्र में मौजूद शिक्षक को उक्त परीक्षार्थी पर संदेह हो गया, जिसके बाद शिक्षक ने स्कूल के प्रधान शिक्षक और बोर्ड के अधिकारी को इस संबंध में अवगत कराया, जिसके बाद नियम तोड़ने के आरोप में उक्त परीक्षार्थी से उत्तर पुस्तिका ले लिया गया। इस विषय पर मार्गरेट स्कूल के प्रधान शिक्षक कल्याण कुमार दास ने सिलीगुड़ी टाइम्स के पत्रकार से फोन पर बात करते हुए कहा कि केंद्र के अंदर प्रश्न पत्र डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एक परीक्षार्थी के पास से मोबाइल फोन बरामद किया गया है। उक्त परीक्षार्थी श्री गुरु विद्या मंदिर की छात्रा है। बोर्ड की सेंट्रल कमेटी को पूरी विषय की जानकारी दे दी गई है। सेंट्रल कमेटी पूरे विषय को देख रही है। पचास हजार लोगों को अपनी मंजिल से है जोड़ा, नई उत्साह के साथ आए हैं फिर से थामने आपका हाथ। श्री शांति होंडा।